हेलो एवरीवन, मेटामॉपसिस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और एक चीज़ स्टूडेंट्स के बीच में बड़ी तेज़ी से जो है दिमाग में घर बना रही है और बहुत बुरी तरीके से स्टूडेंट्स को हार्म कर रही है। और स्टूडेंट्स ने इस बारे में मुझे कई फ़ोन किए हैं, तो मैं आपको उसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। और वो चीज़ है कि कई चैनल्स और कई लोग यूट्यूब में या फिर किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए LT इंग्लिश और लेक्चरर इंग्लिश या LT और लेक्चरर इंग्लिश का कोर्स एक साथ कराने का दावा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं LT के सिलेबस की ओर। LT का सिलेबस जो आपको छोटा सा देखने में लगता है, वो एक पूरा एज स्पेसिफिक सिलेबस है और वो पूरी एज को कवर करता है। और उस एज के जितने राइटर हैं उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट को कवर करता है। और साथ ही साथ हमने इसमें जहाँ एक तरफ इम्पॉर्टेंट वर्क्स की ओर ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट राइटर्स की ओर ध्यान देना है, वहीं हमें कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स के जो ऐसे वर्क्स हैं जिसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक फैक्ट हो सकते हैं, उनकी ओर ध्यान देना है। हालांकि ये एक ब्रॉड कोर्स ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत गहरा नहीं डूबना है। और वो जानते हैं, जो गाइड होते हैं मेंटोर, वो जानते हैं कि इसमें से कितना निकालना है और कितना कोर्स जो है स्टूडेंट्स को देना है। लेकिन ये आर्ट एक बहुत ही स्पेसिफिक आर्ट होती है और इसके लिए एक थॉरो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक कहीं पर भी एक समुद्र में मोती निकालने जितना डूबने लायक काम नहीं है। हालांकि इसमें बैकग्राउंड्स में एक अलग काम करना पड़ता है। अब हम चलते हैं कि लेक्चरर की ओर। लेक्चरर जो कोर्स है वो LT के ठीक उलट जो है टेक्स्ट स्पेसिफिक और राइटर स्पेसिफिक कोर्स है। वहाँ आपको कुछ भी जनरल टॉपिक नहीं दिया है, वहाँ तो उन्होंने कह दिया ये है टॉपिक, इसी में से आना है। अब आपके पास एक स्पेसिफिक राइटर या स्पेसिफिक नॉवलिस्ट, स्पेसिफिक शॉर्ट स्टोरी राइटर या स्पेसिफिक एसेइस्ट पढ़ा है। अब आप उसमें कितना पढ़ेंगे? क्या आप LT के जैसे पढ़ने जा रहे हैं उसमें? बिल्कुल नहीं। अगर आप LT के जैसा उसमें पढ़ेंगे तो कभी भी आपका लेक्चर नहीं निकलेगा। उसमें लगानी पड़ेगी बहुत गहरी डुबकी, राइटर्स के बायोग्राफी से लेके, उसकी पर्सनल लाइफ से लेके, उसके जो करियर है, लिटरेरी करियर, उसके और जो सोशल आप कह सकते हैं जितने भी मूवमेंट हैं, उसकी कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं, एवरीथिंग यू हैव टू फोकस ऑन। ठीक उसी तरीके से राइटर के जो वर्क हैं वो इतने टेक्स्ट स्पेसिफिक लेक्चरर का सिलेबस है कि उस टेक्स्ट में पूरा एक एक वर्क को छांट के उसके अंदर तक क्वेश्चंस को हमें करना पड़ेगा। अब वो कौन महान लोग हैं जाने जो LT पढ़ाते पढ़ाते लेक्चरर को पढ़ा देंगे। अब आप सोचिए, कंसीडर करें एक सिचुएशन कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मुझे LT के एज का मैंने बैकग्राउंड पढ़ाया और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स और उनके कुछ वर्क पढ़ा रहा हूँ। और मेरे पास LT के बैच वाले बैठे हैं, कुछ लेक्चरर वाले बैठे हैं। अब मैंने क्या किया, LT का छोड़ के एक राइटर पकड़ लिया जो लेक्चरर में था और उसमें लगा डुबकी लगाने और 4 दिन उसमें बिताए। तो ये जो बाकी LT के लोग बैठे हैं ये क्या करेंगे वहाँ पे? ये सिर्फ अपने जो है बाल नोच सकते हैं और कुछ नहीं। तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि ये बहुत ही सेंसिटिव लकीर है जो LT और लेक्चरर के बीच में है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि मेरे पास 2 या 3 हज़ार रुपये कम में आ जाइए और मैं दोनों के कोर्स करा दूंगा, तो समझ लीजिए वो ना सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, बल्कि वो आपकी लाइफ से 2-3 हज़ार रुपयों के लिए खिलवाड़ करने जा रहा है। इसलिए आप इस बात पर बिल्कुल ना फंसिए और आप ये सोचिए, आप गौर से सिलेबस को देखिए और सिलेबस का नेचर पहचानिए। क्या LT और लेक्चरर एक साथ पढ़ाए जा सकते हैं? मेरी ओर से बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली मैं ये मना करता हूँ कि अगर लेक्चरर और LT आप एक साथ पढ़ने जा रहे हैं कहीं, तो आप उस ओर एक भी कदम ना बढ़ाएं, क्योंकि वो सिर्फ आपके भविष्य से खिलवाड़ कर सकता है। आप 3 हज़ार रुपये बचा सकते हैं, लेकिन अगले 10 सालों तक जब पोस्ट नहीं आएगी और आप कहीं पर 1-2 नंबर से रुकते हैं या कुछ नंबरों से रुक जाते हैं, तो उसका पछतावा होगा। तो वो एक जो बड़ी मुश्किल से वैकेंसीज आती हैं उस पर एक फेल होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बड़ी चीज़ है, या फिर 2-3 हज़ार रुपये जो वो आपको लालच दिखाता है वो बड़ी चीज़ है, ये आपको डिसाइड करना है। आप इस तरीके से अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि दोनों सिलेबस, किसी भी सब्जेक्ट में हो, दोनों सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट नेचर के हैं। और अगर ना होते तो फिर दोनों में PGT और TGT का अंतर नहीं होता, दोनों में सैलरी और स्केल का अंतर नहीं होता, और दोनों में फिर अलग अलग पेपर कराने का मतलब ही नहीं होता। तो जो इस तरीके से आपको गुमराह कर रहे हैं उनसे सावधान रहिए और आप तरीके से इसको पढ़िए। आप न जाएं कहीं पढ़ने, लेकिन आप दोनों के जो डिफरेंस और बॉर्डर लाइन को समझिए। तो आपको अगर इन कोर्सेज से रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि और क्या डिफरेंस है, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो। और साथ ही साथ ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे वहाँ नया स्क्रीनिंग का बैच जो अभी 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चरर का यह हमारा तीसरा बैच चल रहा है स्क्रीनिंग में, और ठीक उसी तरीके से लेक्चरर में हमारा चौथा बैच चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। LT में भी सारे नए बैच 2-3 दिन पहले शुरू हुए। साथ ही साथ हम हल्द्वानी में पंचक्की चौराहा में हमारा इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर हम नया LT इंग्लिश का ऑफलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं। लेक्चरर ऑफलाइन हमारा ऑलरेडी चल रहा है। तो जिनको अगर इस कोर्स को करना हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और मैं जल्दी हाजिर हूँगा नई वीडियो के साथ। तो देखते रहिए मेटामॉर्फोसिस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन सभी LT और लेक्चर वाले एस्पिरेंट्स तक शेयर कीजिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी धोखा ना खाए और अपने महत्वपूर्ण टाइम को गवा के करियर के साथ खिलवाड़ तो कभी ना करे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।